जिस प्रकार से इस देश को एक दिशा और दृष्टि देने का काम उन्होंने किया वो अनमूल्य है, हम उसे कभी भूल नहीं सकते। और आज उन्हीं की याद में रेवाड़ी के अंदर जो भव्य मास्य उनका स्टैचू लगाया है, मुझे लगता है ये स्टैचू भी आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर यहाँ से आते जाते ये प्रेरणा और दिशा देता रहेगा कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर इस देश के संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करके इस देश की डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। मेरा तो स्वयं ये मानना है कि वो उन चंद लोगों में से रहे हैं जिनमें पार्लियामेंट के अंदर केवल मात्र पार्लियामेंटेरियन के तौर पर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम किया। और आज भी हम सब के जीवन में जो ये लिबर्टी है, ये आज़ादी है, ये बात करने का, बात रखने का जो एक अधिकार मिला है, ये जो फ्रीडम्स मिली, मुझे लगता है कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उस समय उस पूरी टीम को इतने संयुक्त तौर पर संविधान बनाने के लिए ना लेकर चलते तो शायद आज ये संभव ना हो। दुनिया में बहुत डेमोक्रेसी बनी है, महाराज 130 करोड़ की आबादी वाले देश को एक संविधान बांध कर रखता है ये बाबा भीमराव अम्बेडकर। आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं आज भी काले झंडे दिखाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने पहले ही गिरफ्तार कर ले दिया, क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया कि सब आदमी पीसफुली अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर आज उसका नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश के दिल्ली के साथ लगते हुए दो बॉर्डर्स पर हजारों लोग आकर बैठे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार ने भी उनको अधिकार दिया। कोई व्यवस्था खराब करने का काम करेगा, बाधा डालने का काम करेगा तो जरूर सरकार शक्ति के साथ होती है। लोगों में थोड़ा डर बना हुआ है, जल्दी लोग पलायन करने लगे हैं कोरोना के डर से। एक चीज जरूर स्पष्ट आपको कह सकता हूँ कि प्रदेश में ना तो लॉकडाउन वाली कोई स्थिति आज है ना आने वाले समय में, नाइट कर्फ्यू जो कि हमारे साथ लगते हुए तमाम प्रदेशों ने लगाया, उन्हीं के आग्रह पर हमने लगाया है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट या इंटर स्टेट मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। एहतियातन तौर पर हमने टेस्टिंग भी बढ़ाई, मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रदेश में हमने और बेहतर करने का काम किया है। और मैं मानता हूँ कि एक ये सेकेंड वेव का जो स्पाइक है केवल मात्र हरियाणा ही नहीं तो बहुत कंट्रोल्ड एरिया में है, 4000 केसेज आए, आज हम महाराष्ट्र देखते हैं 60,000 क्रॉस कर चुका है, दिल्ली 12,000 क्रॉस कर चुका है। हमारे पास तमाम व्यवस्था है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 4 दिन देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की एक बड़ी मात्रा में टीकाकरण हुआ है उसके बाद इस स्पाइक को और इस वेव को हम तोड़ पाएंगे और व्यवस्था को बेहतर। सर पहले से 8 क्लासों पर रोक लगाई गई लेकिन उसके बावजूद क्लास लगाए जा रहे हैं, प्राइवेट संचालक उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे पास एक केस आया था सैनिक स्कूल कुंजपुरा का जिसमें 160 बच्चे कोरोना इफेक्टिव पाए, उसके बाद ये निर्णय सरकार ने लिया कि इस तरीके से यंग जनरेशन में जो ये सेकेंड वेव आई है इसको रोका जाए। हमारा ये प्रयास है कि आने वाले भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ी तो जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं मई उसको इस पीरियड के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। पर मैं आग्रह करूँगा तमाम स्कूल संचालकों से कि आप बच्चों के भविष्य के साथ जितनी गंभीरता से कार्य करते हैं उतनी गंभीरता से उनकी सेहत के बारे में भी सोचिए। तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर अगर मैं लापरवाही, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा कोई गाइडलाइंस को तो जरूर करना।